चलिए बेटा, आज बात करेंगे सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स। आज का टॉपिक है आपका सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या क्या है आपका ये? ठीक है बेटा, सभी के पास आवाज आ रही है? ये बताइए मेरे को पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये जो सेल है, सब सेल है, ऑर्बिटल्स है, ये बेसिकली है क्या चीज? ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बताने के लिए सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स जो टर्म्स है वो यूज किए गए। ठीक है, अब यहां पे एक एक करके बात करते हैं, सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है। तो पहली हेडिंग है सेल। ठीक है, एक बार मैं आपको तीनों के बारे में एक बार बता देता हूँ छोटी छोटी बात करके। देखिए, अगर ओरली हम बोले कि ये जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपका सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, जो आप नॉर्मली जो सेल है वो आप यहाँ पे जो कहते हो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इसमें अराउंड कर रहा है, घूम रहा है आपका। जैसे आपका यहाँ पे बात करें सेल है, ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, सपोज कीजिए ये आपका n इज इक्वल टू 2 है, ये सेल की पोजीशन है। ठीक है, ये सेल की क्या है बेटा? पोजीशंस हैं आपके। तो यहाँ पे नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है? मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल के अंदर एक होती है सब सेल, ठीक है, उसमें पाया जाता है। और सब सेल के अंदर भी कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। इसको एक छोटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अपन नॉर्मल एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया नॉर्मल सा, आपको सीधी बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सपोज कीजिए एक लड़की है दीपिका, दीपिका पादुकोण है, सपोज कीजिए। ठीक है, दीपिका पादुकोण हेमंत सर से मिलने के लिए आती है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको नॉर्मल सा, या मैं इसको कोई मतलब ये मान सकते हो ये कोई मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। और ये है आपका आपका दिल्ली में, ठीक है, और ये मैं आपका हूँ सपोज कीजिए जीवनी के कैंपस में, JS आपके क्लास में हूँ, 11th क्लास में। ठीक है, अब ये जो आएगा बंदा, ये जो दीपिका है, वो सबसे पहले क्या आएगी? जो चिरावा है उसके जो बस स्टैंड है वहां पे आएगी, उसके बाद जो जीवनी स्कूल है, ठीक है, जीवनी स्कूल के कैंपस में आएगी, फिर ये किस में आएगी? आपके जो एग्जैक्ट रूम नंबर है, जो भी मतलब जिस क्लास में है, जो 11th क्लास है उसके अंदर आएगी मिलने के लिए। तो जो चिरावा है ये आपकी क्या होगी? सेल होगी। ठीक, चिरावा के अंदर ही क्या है बेटा? जीवनी है, ये आपकी क्या होगी? सब सेल होगी। और जीवनी के अंदर क्या है? 11th क्लास, ये आपकी ऑर्बिटल्स होगी। ये है आपका सिंपल सा फंडा। बस इस बात को समझ में आ गया तो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल आपकी आ जाएगी।
दिखने में ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है आपकी, इसके अंदर ये फाइन डिवाइडेड आपकी क्या होती हैं, पोजीशंस होती हैं। उन पोजीशंस को हमने अलग अलग बांट रखा है। अगर एग्जैक्ट बात करूँ, जैसे मेरी है, तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, 11th क्लास है, ठीक है। 11th क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी ऑर्बिटल्स के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेल सब सेल ऑर्बिटल्स, कोई दिक्कत की नहीं है। अगर वो कहे कि एग्जैक्ट पोजीशन बताओ इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे होती है, तो ये आपकी होती है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं, सेल सब सेल और ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, तो सेल सब सेल ऑर्बिटल का फंडा भी आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, ये बताओ मेरे को, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको। बस अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपकी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के बारे में बात की, अब यहाँ पे अगर सेल के बारे में पहले बात करते हैं, तो सेल जो है वो बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में आपके क्या है, ये सर्कुलर पाथ्स है, ठीक है। ये आपके सर्कुलर पाथ्स है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ आपके यहाँ पे क्या है, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो होगी आपकी सेल की, वो क्या हो जाएगी कि सर्कुलर पाथ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस नोन एज सेल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं, हाँ या ना, बोलो, ठीक है। तो एन जो है आपका, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी क्या है बेटा, सेल्स है। बोलो, पहली बात समझ में आई, तो मैं अब सब सेल के ऊपर आता हूँ। बोलो, ठीक है। देखिए, अब बात करता हूं सेल, सेल को ही हम नॉर्मली ऑर्बिट बोलते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रॉन सेल बोलते हैं। ये नाम है जो कि आपको किताबों में मिलेंगे, एक ही बात है सभी का, मतलब कि सेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, या इलेक्ट्रॉन सेल बोल दो, भाई सेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेल बोल देते हैं, ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क है, ऑर्बिटल जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन है, ऑर्बिट जो है वो सेल ही होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेल, ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन सेल एक ही बात है आपकी, हाँ या ना, बोलो। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड, आपका यहाँ पे जो है वो है आपका सब सेल, क्या है, सब सेल, ठीक है। देखिए, जो आपकी सेल थी वो क्या है, सब सेल है, और सब सेल के अंदर क्या है, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल है। तो सेल की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब सेल, सेल की अगर डेफिनेशन आप बनाना चाहो दूसरी, तो क्या बन सकती है कि जो कॉम्बिनेशन है आपकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सब सेल की कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके इसको मिला के ही आपकी क्या बनी है, सेल बनी, और ऑर्बिट को बना के क्या बनी है, सब सेल बनी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब सेल इज नोन एज सेल, ठीक है। और सब सेल की अगर डेफिनेशन बनानी है, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर नोन एज आपका सब सेल, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगी, ऑर्बिटल के जो कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सब सेल बोलेंगे।
डाल दिया। चलिए अब लास्ट आपका कौन सा बेटा, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो पाने की है वो मैक्सिमम होती है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन हम जिसको बोल रहे हैं कि हेमंत सर की जो प्रोबेबिलिटी है पाने की वो क्या है, 11th क्लास में है। तो वो जो है आपकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाने की जो है कहाँ पे पा सकता है आपका, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ऑर्बिटल्स क्या है, एक स्पेस होता है। तो इट इज ए स्पेस, इट इज ए स्पेस किसका, कहाँ का स्पेस है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, क्या हो, मैक्सिमम हो, इज नोन एज ऑर्बिटल। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे बेटा। बोलो। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं कुछ आगे बढ़ूं फिर। बोलो बेटा। चलिए, देखिए अब यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं अपन। ये तो आपकी सिंपल सी बात होगी, सेल सब सेल ऑर्बिटल्स है क्या चीज। जैसे मैं यहाँ पे अब क्वांटम नंबर स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बेटा, उसमें जैसे हम बात करें, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो जैसे कोई भी चीज लिख दी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपका है बोरोन, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। क्वांटम नंबर में अभी डिटेल में बता दूंगा सारी चीज़। जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो 1s2, 2s2 और 2p1। पी जो होती है बेटा उसमें तीन ऑर्बिटल्स होती है, 1, 2 और 3। ये होता है 2px, ये 2py और ये 2pz। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है एक, वो इसमें भरा जाता है, फिर आपका py में भरा जाता है और pz में भरा जाता है। तो ये जो 2p1 है वो एग्जैक्ट में ये पोजीशन है। तो जो 2 है वो आपका क्या है, सेल है। पी जो है वो है आपका सब सेल, और एग्जैक्टली कहाँ पे है, एक्स में है, टू पी एक्स में है, तो ये आपका क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, मतलब 2 जो है वो सेल है, पी क्या है, सब सेल है, और एक्स जो है वो आपका, वो आपकी ऑर्बिटल्स है। कि पी एक्स जो है वो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे ये पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की पाने की, वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर उसमें बात करेंगे। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से कि सेल सब सेल और ऑर्बिटल है क्या चीज़।